पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत के खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, मेडल्स मिस किए हैं लेकिन प्रदर्शन ज़बरदस्त किया, मेडल्स जीते, डबल मेडल एक ही ओलंपिक में जीता मनु भाकर ने, लेकिन एक निराशा हुई आज और उसकी ऐसी निराशा है कि पूरा देश उसके बारे में बातचीत कर रहा है। शायद उसकी बात होनी चाहिए थी कि गोल्ड मेडल जीतने के बाद ये बातचीत होती, लेकिन फिलहाल मेरे साथ मनीषा मल्होत्रा हैं जो कि खुद एक ज़बरदस्त टेनिस प्लेयर रही हैं, ओलंपियन रही हैं और इस वक्त JSW जो कि सबसे बड़ा प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी है और प्लेयर्स मैनेज करती हैं और स्काउट भी करती हैं, एक्सेलेंस और स्काउट्स की हेड भी हैं। मनीषा जी, जो आपका सफ़र है आफ्टर स्पोर्ट्स, आफ्टर टेनिस, उसमें आपने प्लेयर्स को ढूंढा, प्लेयर्स को तराशा, प्लेयर्स को निखारा है, तो इस सफ़र में आपने विनेश को भी देखा था, विनेश को भी ढूंढा आपने, विनेश को मैनेज भी किया, तो विनेश के बारे में थोड़ा सा सब जानना चाहेंगे कि विनेश किस तरह की मेंटली पहले से ही बहुत स्पेशल एथलीट थी, right. वो जूनियर में भी थी, सबको पता था कि वो एक बहुत अच्छी खिलाड़ी बनने वाली है और जो जैसे उसका करियर हुआ है, आई मीन डेस्टिनी बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, मगर वो हर बड़े इवेंट में मेडल फेवरेट की उम्मीद किससे सही है। आप अगर रियो पकड़ो तो वो फेवरेट थी, फिर आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप पकड़ो तो वो आई मीन टोक्यो के पहले 2 साल के लिए वो एक भी बाउट हारी नहीं थी, तो वो क्वालिटी एज अ रेसलर, इट्स सेफ टू से कि वो इंडिया की सबसे अच्छी रेसलर एवर है, देयर इज नो डाउट। वाह, और वो आप कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल जब तब से देखा है जब कोई जानता भी नहीं था और उनको आप निकाल के वहाँ से देखा है आपने, लेकिन जो आज हुआ है ये जो 100 ग्राम वेट बढ़ने की वजह से जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, DQ हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कितना डिसअपॉइंटिंग है, ये अनप्रोफेशनल है, ये किस तरह से वही तो मैं बोल रही हूँ, अभी ये जो ब्लेम गेम चल रहा है ये अभी 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 के लिए नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके वजह से हुआ, वो हम देख लेंगे 11 के बाद, मगर जो हुआ है, आई मीन डिसअपॉइंटिंग इज नॉट द करेक्ट वर्ड, इट्स डेविस्टेटिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमने देखा है कि अभी हम संजय सिंह से ही बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि देखिए कि अगर बात करें विनेश की, तो विनेश की गलती नहीं आती है, पूरी टीम की गलती है, क्योंकि पूरी टीम एक साथ काम करती है, कहने को एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है लेकिन पूरा टीम जो है एक साथ चलता है। विनेश की इसमें बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि विनेश इज़ अंडर प्रेशर, शी इज़ द एथलीट, वो कोशिश कर रही है, उसको कल की मैच के लिए भी फोकस करना है, वो आज से भी रिकवर करना है, वो उसका फॉल्ट है ही नहीं, उसके रेल्म, उसके थिंकिंग में ही ये नहीं आना चाहिए, वो इसीलिए तो 8 पीपल उसके साथ जुड़े हैं जो ये सोचे और जो स्ट्रेटेजाइज करे और प्लान बनाए इसके लिए। बिल्कुल, तो आई मीन फेलियर है तो हम सबका फेलियर है वैसे, मगर अभी तो मनीषा जी, लेकिन आप इनके जो पर्सनल पूरी टीम है, क्योंकि आप इतने ज़बरदस्त तरीके से जुड़े हुए हैं पूरे इंडियन स्पोर्ट्स के साथ, आप इस पर्सनल टीम को भी मुझे पता चला कि आप जानते हैं, जैसे रेसलर हैं, उनके न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सब कुछ जानते हैं, सब टॉप क्लास हैं, जानते हैं, अभी टॉप क्लास ही तो है, तो हाउ इज इट, कल तो 50 किलोग्राम आ गया। हाँ, और अगर 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 ये 100 ग्राम नहीं होता तो आप तो कुछ बोलते नहीं, वो फिर उसके खिलाफ, तो फिर अभी ये 100 ग्राम की वजह से वो खराब थोड़ी हो गया, ठीक है जो हो गया, अभी वो अनफॉर्चुनेट है, शायद कोई मिस्टेक हुआ है, शायद कुछ भी हो वो हम देख लेंगे, मगर इस समय हमें पता नहीं क्या हो, आई मीन व्हाट द एक्चुअल बिग प्रॉब्लम। लास्ट सवाल, कितना बड़ा चैलेंज है बाकी बचे एथलीट्स के लिए, बहुत बड़े बड़े मेडल टूर्नामेंट मेडल इवेंट्स भी आ रहे हैं, ऐसी खबर, क्योंकि आप खुद ओलंपियन रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है बाकी बचे एथलीट्स के लिए, क्योंकि 3-4 दिन बड़े क्रूशियल इवेंट्स आ रहे हैं सामने। नहीं, आपने देख लिया ये अंतिम का वंडरफुल प्रदर्शन आज, तो ये मोमेंटम का सवाल है, यू नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू एक्सप्लेन टू समवन, वो जो मोमेंटम होती है वो मोमेंटम से चलती है, जब ये अभी पूरा फोकस चले गया पता नहीं, थोड़ा तो निराशा होगा, मोरल विल बी डाउन, वही तो मैं सबको बोल रही हूँ, तो इंस्टेड ऑफ इसके बारे में ही बात करना, वी हैव टू टेक अ पॉजिटिव स्पिन एंड स्टार्ट बूस्टिंग अप एवरीबॉडी एल्स, क्योंकि ओलंपिक अभी बचा हुआ है और काफ़ी मेडल्स भी हमारे, और हमें रेसलिंग से तो 2 मेडल तो चाहिए जी, 2 मेडल्स हमको चाहिए, उसके अलावा हमारे पास मीरा भाई बहुत सारे चांस हैं, अंशु इज अ वेरी क्वालिटी रेसलर, रितिका इज अ वेरी क्वालिटी रेसलर, अमन इज अमेजिंग रेसलर, तो क्वालिटी तो है, अभी सिर्फ कोई डिलीवर करें जी। बिल्कुल, हम इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे, बाकी बचे हुए 4 दिनों में उम्मीद है 3-4 मेडल आएंगे। मनीषा जी, थैंक यू सो मच।